चलो, why is conservation of forest and wildlife necessary? तो conservation of forest and wildlife क्यों necessary है? Because it preserves the ecological diversity and support system. ठीक है, तो अगर आप wild forest और wild life को बचाओगे तो क्या होगा, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बची रहेगी और हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, क्या है हमारा सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर और सॉइल, ये भी बचा रहेगा. इट प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो अगर आप क्या करोगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी प्लांट और एनिमल की बचाकर रखोगे तो हमारी आगे स्पीशीज क्या होती जाएगी, दिन पे दिन बढ़ती जाएगी, और ब्रीडिंग करना भी क्या होगा, आसान होगा. अगर कोई स्पीशीज का पॉपुलेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है. आ रही बात समझ में? जो एनिमल्स रहते हैं वो भी क्या रहता है, प्लांट पे डिपेंड करते हैं. ह्यूमंस जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं क्या है, बायोडायवर्सिटी पे डिपेंडेंट है. तो अगर हम बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे तो हम भी प्रोटेक्टेड रहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट. व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रिजर्व बायोडायवर्सिटी? तो हम लोगों ने बोला, पहली बात तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, ठीक है ना. हमारे यहाँ लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज पब्लिश हुई थी, ताकि जो ऑर्गेनिज्म या जो स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन क्या हो गई है ओवर द इयर्स कम हो गई है, उनको क्या कर सकते हैं हम लोग प्रोटेक्ट कर पाए. कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हम लोगों ने हंटिंग क्या कर दी, बैन कर दी, ठीक है ना. गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट, जहां ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वहां पर क्या दिया, लीगल प्रोटेक्शन दिया. और इनके जो वो है ट्रेड में, जो इनके बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं या इनसे जो मटेरियल्स यूटिलाइज होते हैं, उन सब का क्या कर दिया, बैन कर दिया. इज दैट क्लियर? प्रोजेक्ट टाइगर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. है ना. डिफरेंट कैटेगरीज इन विच फॉरेस्ट आर डिवाइडेड. तो सबसे पहला कौन सा है, रिजर्व फॉरेस्ट. ये सबसे वैल्यूएबल होती है और सबसे ज्यादा वल्नरेबल भी होती है. हमारे यहाँ कहाँ का है रिजर्व फॉरेस्ट, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल. इसके बाद होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. ये वो फॉरेस्ट होते हैं जिनको फर्दर डिप्लीशन से रोकना है, जितना नुकसान अब हो गया हो गया, अब और ज्यादा होने नहीं देंगे. और लास्ट होती है बेटा अनक्लास फॉरेस्ट, जो बहुत सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बाद है, बहुत सारी प्राइवेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास भी है. नेक्स्ट, कम्युनिटी का क्या रोल है? आई बात समझ में? तो टाइगर रिजर्व है जो राजस्थान में, विलेजर्स जो थे. चलो, सबसे पहले क्या है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर, राजस्थान में. जो विलेजर्स थे वो किसके अगेंस्ट थे, माइनिंग के अगेंस्ट थे. उन्होंने किसको साइट किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को साइट किया कि यहाँ पे माइनिंग अलाउड नहीं है और हम करने भी नहीं देंगे. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो कहाँ का दिया हुआ है, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. यहाँ पे 5 विलेजेस के जो विलेजर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा, 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को खुद ही क्या कर दिया, सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया. सेंचुरी की जगह उन्होंने क्या बोला, भैरव देव डाकव सोनचुरी. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने खुद ही रूल्स बना दिए कि यहाँ पे हंटिंग नहीं होगी और वाइल्ड लाइफ का हम लोग किसी भी एक्सटर्नल बंदे से क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है, फिर तीसरा मूवमेंट कौन सा था बेटा, चिपकू मूवमेंट. चिपकू मूवमेंट कहाँ हुआ था, हिमालयाज में हुआ था, जहां पर इन लोगों ने क्या करा था, ट्रीज को प्रोटेक्ट किया था उनको हक करके. इसमें क्या हुआ, सिर्फ इन्होंने डिफॉरेस्टेशन को रोका नहीं, बट इन्होंने क्या कराया कि अगर आप वहां की इंडिजीनियस, वहां की जो नेचुरल स्पीशीज है, अगर उनके साथ क्या करोगे, एफॉरेस्टेशन करोगे, तो ये फॉरेस्ट क्या हो जाएगी, बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी. आ रही है बात समझ में? तो बहुत सारे लोग हैं जैसे फार्मर्स हैं और सिटीजन्स हैं, उन्होंने क्या कर लिया है, कुछ प्रोग्राम्स बनाए, जैसे कि बीज बचाओ आंदोलन. ये कहाँ हुआ था, टेहरी में हुआ था, TEHRI. और नव धान्य आंदोलन, जिन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन को भी डाइवर्सिफाई करेंगे और फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है, अब ये समझ में आया है कि अगर आप विलेजर्स को फॉरेस्ट से दूर रखोगे तो आपकी फॉरेस्ट मैनेज नहीं हो पाएगी. इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि गवर्नमेंट और विलेजर्स मिलकर क्या करेंगे, फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे. तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट जो है, ये बहुत एग्जाम्पल है क्या, कि आप वहां की लोकल कम्युनिटीज को क्या करो, इन्वॉल्व करो किस चीज में, फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में और रिस्टोरेशन में. ठीक है ना, ये कब स्टार्ट हुआ फॉर्मली इंडिया में, 1988 में. कब
कहाँ स्टार्ट हुआ? स्टेट ऑफ ओडिशा में, ठीक है ना, ये पहले ओडिशा था, ओडिशा है, ठीक है ना, जहां पर हम लोगों ने बोला क्या कि हम लोग क्या करेंगे, एक लोकल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, ठीक है ना, जिससे क्या हो, हमारी जो भी फॉरेस्ट डिग्रेड हो रही है उसको हम लोग रिस्टोर करेंगे, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो किसकी हेल्प लेगा, वहां के लोकल कम्युनिटी मेंबर्स की हेल्प लेगा, और क्योंकि लोकल कम्युनिटी मेंबर्स क्या करेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प करेंगे, तो उनको क्या मिलेंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि क्या कि आपको टिम्बर लेना है तो टिम्बर ले लो, क्योंकि आपने बचाया तो आपको तो क्या बनता है, हक बनता है. इज दैट क्लियर? विद दिस चैप्टर इज ओवर. चलो बराबर स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में हमको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़नी है ना, सीरियल क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, बेवरेजेस, कमर्शियल क्रॉप्स, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. ग्लोबलाइजेशन तुम्हारे हिसाब से एग्जाम में नहीं आ रहा है. सबसे पहले आ जाते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग पे. प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता था, फार्मर स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे क्या करता था, क्रॉप्स ग्रो करता था. यूज जो होते थे, टूल्स कैसे होते थे, प्रिमिटिव होते थे, जैसे कि हो, डिगिंग स्टिक एक्सेट्रा. फैमिली लेबर यूज होता था, यानी कि एक्सटर्नल लेबर यूज नहीं करते थे. मॉनसून डिपेंडेंट था, यानी कि कोई इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है. अगर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है तो ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना. फार्मर्स जो है एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते थे, वहां पे कुछ सालों तक क्रॉप उगाते थे, ठीक है ना, और जैसे ही सॉइल अपनी फर्टिलिटी यूज करता था वो दूसरे लैंड पर चले जाते थे. नेक्स्ट क्या है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है. ओवर द इयर्स लैंड अंडर कल्टीवेशन क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ईल्ड पर हेक्टेयर बढ़ानी होती है. क्या करना होता है, ईल्ड पर हेक्टेयर बढ़ानी होती है. बहुत लेबर इंटेंसिव होता है, इसमें बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स और इनपुट्स यूज होते हैं, ठीक है ना. कहाँ पर ज्यादा यूज होता है ये, जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि इंडिया. फिर आता क्या है, कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग ऐसा फार्मिंग होता है जहां पर आप क्यों गुड्स बना रहे हो, क्योंकि आपको फ्री मार्केट में बेचने हैं, ठीक है. तो आप यहाँ पर मॉडर्न इनपुट्स यूज करते हो, जैसे कि HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें क्यों यूज करते हैं, ताकि हायर प्रोडक्टिविटी मिले, ठीक है ना. डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन रीजन टू रीजन क्या करती है, वेरी करती है. कमर्शियल फार्मिंग का ही एक पैटर्न होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांटेशन फार्मिंग, जिसमें एक बहुत बड़े लैंड पे सिंगल क्रॉप ग्रो होता है, माइग्रेंट लेबर यूज होता है, कैपिटल इंटेंसिव होता है, यानी कि आप बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी यूज करते हो, और जो आप यहाँ पर चीजें बनाते हो वो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है. यहाँ पर आपको इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है ना. टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में दो वर्ड याद रखने, एक जोकमार, दूसरा नरवास. जोकमार मतलब जून में सो होंगे, अक्टूबर में हार्वेस्ट होंगे. खरीफ मेज और राइस, जून टू अक्टूबर कौन सा सीजन होता है, रेनी सीजन होता है. दूसरा वर्ड याद रखोगे नरवास, नवंबर अप्रैल, नवंबर में सो होंगे, अप्रैल में हार्वेस्ट होंगे, सीजन होगा रबी, ठीक है. वीट एंड शुगर केन इसके एग्जाम्पल, और विंटर सीजन क्रॉप्स होते हैं. इन दोनों के बीच में एक शॉर्ट सीजन आता है जहां पर फ्रूट्स उगते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, मस्कमेलन, ठीक है. इस सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, जैद क्रॉप्स बोलते हैं. अब सीरियल क्रॉप्स पे आ जाए, राइस क्या होता है, खरीफ क्रॉप होता है. टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल कितनी, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर पानी नहीं है, जैसे कि पंजाब वगैरह में इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती है, तो यहाँ पे डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल, इरिगेशन और ट्यूबवेल यूज होता है. इंडिया का रैंक सेकेंड है आफ्टर चाइना. कहाँ का होता है, कोस्टल एरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, क्योंकि यहाँ बारिश ज्यादा होती है, पंजाब और हरियाणा में. फिर आ जाओ किस पे, वीट पे. वीट क्या है, रबी क्रॉप है. टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस. रेनफॉल कितनी चाहिए, 50 टू 75 सेंटीमीटर. इसका ग्रोइंग सीजन कूल होना चाहिए, तभी ये रबी क्रॉप है.
और हार्वेस्टिंग के टाइम पे ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए, पंजाब हरियाणा यूपी में ग्रो होता है। मिलेट्स में तीन चीजें आती है बेटा, ज्वार बाजरा रागी। कितनी चीजें आती है? ज्वार बाजरा। इंडिया में ज्वार जो है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। रेन फेड है, मतलब इसको बहुत ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं होती, जितनी बारिश होती है उसमें ये क्या होता है, उग जाता है। कहाँ कहाँ ग्रो होता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। बाजरा सैंडी सॉइल में ग्रो होता है या फिर शैलो ब्लैक सॉइल में? कहाँ ग्रो होता है? राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा। रागी रिच इन आयरन एंड कैल्शियम, कोई भी सॉइल पे उग जाता है, रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, शैलो ब्लैक सॉइल, है ना। ये कोर्स ग्रेन्स रहते हैं, इनको मिला के हम लोग क्या कहते हैं, कोर्स ग्रेन्स। यानी कि मिलेट्स में तीन मिलेट्स आते हैं, ज्वार बाजरा और रागी, और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है? हाई होती है। फिर आ जाओ मेज पे, खरीफ क्रॉप है, एज फूड भी यूज होता है और एज फॉडर भी, गाय भैंस को भी खिलाते हैं। एलुवियल सॉइल है, में ग्रो होता है। टेम्परेचर कितना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस से 27। बिहार में इट इज ग्रोन एज अ रबी क्रॉप। इसको आजकल इस स्केल पे उगाया जा रहा है कि यहाँ पे HYV सीड यूज हो रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, इरिगेशन यूज हो रही है, जिस वजह से इसकी ग्रोथ इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कहाँ कहाँ ग्रो होता है? कर्नाटका, बिहार और यूपी में। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है पल्सेस का। पल्सेस जरूरी क्यों होती है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, ये सॉइल फर्टिलिटी को एनहांस करता है और ये दूसरे क्रॉप्स के साथ क्रॉप रोटेशन में ग्रो होता है। एग्जाम्पल उड़द, मूंग, चना, अरहर। कहाँ कहाँ ग्रो होता है? एमपी, यूपी, कर्नाटका, तमिलनाडु। अब आ जाओ शुगर केन, कब उगता है? हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में। टेम्परेचर कितना चाहिए रहता है इसको? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल कितनी चाहिए रहती है? 75 to 100। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर ब्राजील। इंडिया में कहाँ कहाँ ग्रो होता है? यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। क्या बनाने के काम आता है? शुगर, जैगरी, खंडसारी और मोलासेस। ऑयल चीज में हमारे यहाँ कौन कौन प्रोड्यूस होते हैं? ग्राउंड नट, लेंसीड और मस्टर्ड, सीसेमम और कैस्टर। ग्राउंड नट आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटका। लिनसीड और मस्टर्ड राबी क्रॉप की तरह ग्रो होता है गुजरात में। सीसेमम राबी क्रॉप की तरह ग्रो होता है इन सदर्न इंडिया में। और कैस्टर सीड राबी क्रॉप भी है और खरीफ क्रॉप भी है। टी हमारे यहाँ प्लांटेशन एग्रीकल्चर के फॉर्मेट में क्या होता है? ग्रो होता है। बेवरेज है हमारे यहाँ, किसने इंट्रोड्यूस किया था? ब्रिटिशर्स ने। इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए रहता है? ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, डीप फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल, मतलब पानी अच्छा होना चाहिए, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। बुशेस रिक्वायर वार्म मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, फ्रीक्वेंट शावर्स, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, साल भर बारिश चाहिए लेकिन थोड़ी 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 थोड़ी। लेबर इंटेंसिव है, क्यों लेबर लगता है? टी लीव्स को प्लक करने के लिए लगता है। कहाँ कहाँ उगता है चाय? तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आसाम। इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है। हमारे यहाँ कॉफी का जो प्रोडक्शन है वो 4% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन है। हमारी कॉफी अपनी गुड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। हमारे यहाँ कहाँ कौन सी वैरायटी उगाते हैं? अरेबिक वैरायटी फ्रॉम येमेन, ये वन मार्कर्स में आ चुका है। ठीक है, हमारे यहाँ की इंडियन कॉफी की डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड है और ये सबसे पहले कहाँ हुई थी? बाबा बुडान हिल्स में ग्रो हुई थी। फ्रूट्स कौन कौन से ग्रो होते हैं हमारे यहाँ? मैंगो, ऑरेंज, बनाना, लीची, गुआवा, पाइन एप्पल, ग्लैब, सारे सबके स्टेट्स लिखे हुए हैं, देख लेना। हॉर्टिकल्चर इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कितना? 50% ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूस, 15 15 15। रबर क्या है? इक्विटोरियल क्रॉप है, इसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी चाहिए रहता है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी चाहिए रहता है। मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है ना। मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। टेम्परेचर कितना चाहिए? अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। इंडिया की रैंक कितनी है? 5th। और ये कैसे यूज होता है? एज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल यूज होता है। कहाँ उगता है? मेघालय, तमिलनाडु और कर्नाटका।
कॉटन कॉटन आएगा आएगा। इंडिया मेन रॉ, इंडिया का जो कॉटन जो है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मेन रॉ मटेरियल है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ब्लैक कॉटन सॉइल में उगता है डेक्कन प्लेटू में। हाई टेम्परेचर लाइट रेनफॉल 210 फ्रॉस्टी डेज रिक्वायर्स ब्राइट सनशाइन। खरीफ क्रॉप है। 6 से 8 महीने लगते हैं और कौन कौन से स्टेट्स में उगता है? महाराष्ट्र गुजरात और एमपी। जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं। वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल लगता है। ऐसा सॉइल जो हर साल क्या हो रहा है रिन्यू हो रहा है। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए रहता है द टाइम ऑफ ग्रोथ। स्टेट्स कौन से हैं? वेस्ट बंगाल बिहार और आसाम। ठीक है ना। क्या किस किस काम आता है? गनी बैग्स बनाने के काम आता है, रोब्स बनाने के काम आता है और कारपेट बनाने के काम आता है। ठीक है ना। और ये बहुत महंगा हो गया है ओवर द इयर्स जूट। और ये जो है अपना मार्केट लूज करते जा रहा है किसको? सिंथेटिक फाइबर को एज अ पैकेजिंग मटेरियल। हमारे इस कौन कौन से हुए? अबॉलिशिंग जमींदारी सिस्टम, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। पर ये जो थे ना बहुत अच्छे से नहीं हुए थे और इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से नहीं हो पाया था इनका। कुछ दूसरे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कौन कौन से थे? इंश्योरेंस हमारी गवर्नमेंट ने दिया था अगेंस्ट ड्रॉट फ्लड साइक्लोन या फायर। ग्रामीण बैंक्स एस्टेब्लिश हुए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एस्टेब्लिश हुई है। बैंक्स को गवर्नमेंट फोर्स करती है कि वो फार्मर्स को क्या दे? लोन दे। किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम आई है, इंश्योरेंस स्कीम्स आई है। ठीक है। फार्मर्स के लिए हमारी गवर्नमेंट स्पेशल वेदर बुलेटिन चलाती है। ठीक है। और उनको एग्रीकल्चर का नॉलेज देने के लिए रेडियो और टेलीविजन पे प्रोग्राम्स भी चलाती है। हमारी गवर्नमेंट जितने भी सीरियल क्रॉप्स है उन सबके लिए क्या अनाउंस करती है? MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि जो फार्मर्स है उनको मिडिल मैन एक्सप्लॉइट ना करें। विद दिस चैप्टर इज ओवर। अगर इसका टेबल देखना है तो एक तो निवेदन ढूंढ लिया है, वो ग्रुप पे डाल ही रही हूँ। जिसने भी ढूंढा है क्रेडिट ले लेना, वरना ये टेबल अवेलेबल है। तुमको चाहिए तो फोटो खींच लो। कर दो।